जुनिड का जो थर्ड सम है वो डिट्टो कॉपी है जैसे सेकंड की है, बस वैसे चिप नहीं है। ऐसे जो सम होते हैं स्टूडेंट, इनमें आपको क्या करना होता है, जब आप वीडियो को वॉच कर रहे होते हो तो साथ में अपने ऑपरेटर रखा करो और साथ साथ बनाते जाया करो। ऐसे करते जाओगे तो आपको इजी, जब साथ साथ बनाते जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाने की बात हुई तो सबसे पहले वही बना लेते हैं। तो मैं ट्रायंगल क्रिएट करता हूँ, सबसे पहले जिसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर में नीचे लगा लेता हूँ, जो बड़ी वाली होती है ना वो पहले लगा लिया करो, फिर मतलब बाकी जो है वो ईजी बन जाते हैं। तो इसे नेम देते हैं ए और बी का। इसके बाद क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलकर, 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलकर ए पर रख के ना कट करो, ऐसे करके किया था, ऐसे करके हो गया। उसके बाद फिर दूसरी क्या है, 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की कंपास खोलकर ऐसे करके फिर इसको बी पर रख के ऐसे कट किया। तो ये हमारी वो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी जो उन्होंने क्वेश्चन में बता रखी है, ऐसे करके इसे मीट करा देंगे तो ये हमारी वो ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगी जो उन्होंने बोली है। इसे नेम दे देते हैं सी का। चल अब आगे बढ़ते हैं। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड आर 7/5 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट एंगल। अब हमने एक और इसके बीच में ट्रायंगल क्रिएट करनी है जिसकी साइड इस ट्रायंगल का 7:5 हो। वही बात अंडरस्टैंड, कि इसके बीचों बीच हमने एक और ट्रायंगल क्रिएट करनी है जिसकी जो साइड है वो इस ट्रायंगल का 7/5 का हो, ऐसे। ठीक है, तो वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले किया है। तो अब क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है, अब देखते हैं। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 7। तो मैं नीचे क्या करूंगा, एक क्यूट एंगल क्रिएट करता हूं जैसे पहले करते हैं, उसके टोटल मैं क्या करूंगा, 7 पार्ट क्रिएट कर दूंगा। तो ऐसे करके ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ 7 2 2 का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, 2 का। सो ये 1 और 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां तक पहुंच गई बात। ठीक है, यहां तक पहुंची। आप वैसे जैसे आपको लगे आप वैसे कर सकते हो। इसे नेम दे देते हैं, जैसे जैसे नेम उन्होंने दे रखे हैं, हम A1 और ये A2, ये A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जो लास्ट वाला होता है, जो लास्ट वाला होता है उसे हम क्या करते हैं, इससे इसके साथ मीट करवा देते हैं, ऐसे करके किया था ना। तो ऐसे हमने क्या करा, इसे मीट करा देते हैं, ये हमारा ऐसे मीट हो गया। अभी उसके बाद क्या करते थे, इस एंगल को मेजर करते थे। अब इस एंगल को हम मेजर करेंगे, ठीक है, ऐसे करके मेजर किया, यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और यहाँ पर ऐसे यहाँ की है। उसके बाद ये दूसरा क्या है, 5 तक का है, 5 का है। अब 5 पर रखें, यहाँ पर इसे ऐसे लाइन लगाए, लगा दी। उसके बाद क्या करते थे, इस एंगल को मेजर करते थे, ये वाले एंगल को, इसको हम मेजर करेंगे पैरेलल लाइन क्रिएट करने के लिए। ये ऐसे हुआ और ये इसे ऐसे यहाँ पर कट किया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस 5 को इससे क्या है, पास करा देंगे, इस 5 को इससे क्या है, पास करा देंगे। अब देखो, अब ये जो लाइन बनी है वो हमारी पैरेलल लाइन बनी है बिल्कुल इस ट्रैक इस लाइन पे, है ना, ये बात हुई ना आपको क्लियर। में ऐसे किया था पिछले वाले सम में हमने। अब ऐसी पैरेलल लाइन हमने इसके क्रिएट करनी है ना, तो पहले इस एंगल को मेजर करेंगे, इस एंगल को हमने ऐसे मेजर किया, तो इस लाइन के ऊपर रख के भी इसके हम ऐसे लाइन लगा देंगे, तो ये हमारी ऐसे हो गया। उसके बाद इन दोनों इस एंगल को मेजर करेंगे, ये हमारे ऐसे बन रहा है कुछ एस टाइप का, है ना, ऐसे इतना बन रहा है, तो यहाँ पर ऐसे क्या है, कट कराएंगे। तो फिर इस लाइन को क्या कर देंगे, हम पास करा देंगे इससे। तो ये हमारी वो ट्रायंगल बनी है जो इस ट्रायंगल का 7:5 हिस्सा है, 7:5 हिस्सा। इसे अब नेमिंग कर देते हैं। अब ये हमारा डी नेम हुआ, ये हमारा ई हुआ और ये हमारा एफ हुआ। ठीक है, तो ये हमारा एफ हुआ। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला वो क्या बन रहा है, 5:7 का, है ना, 5:7 का। ठीक ऊपर वैसे ही हमारा ऊपर भी क्या बन रहा है, 5:7, 7 की एक ये वाली जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल का
अब ये जो हमारी ट्रायंगल ट्रायंगल ए ई एफ है वो हमारा ऊपर वाली बड़ी वाली ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी और सी है, ये क्या है 5:7 का हिस्सा है। ठीक है, तो सम हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ है।